नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी के कुछ नेता खुद को संस्कारी बताते हैं तो कुछ नेता ईमानदार, लेकिन कुछ भाजपा नेताओं की चंदा चोरी और ठगबाजी विश्व प्रसिद्ध है, चाहे राम मंदिर से जुड़ा हुआ चंदा हो या पार्टी फंड में हेर फेर। एक नेता है जो संस्कारी पार्टी से आते हैं, अरे माफ करिएगा, भाजपा से आते हैं। इनको भाजपा का मेहुल चौकसी या विजय माल्या कहा जाए तो कोई हैरत नहीं होगी। और ये नेता हैं विष्णु बाबू दिवाकर। विष्णु बाबू दिवाकर ऐसे बाबू हैं जिन्हें देखकर हेरा फेरी वाले बाबू भैया भी शर्मा जाएं। क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं। दरअसल बीजेपी ने करोड़ों की ठगी को अंजाम देने के आरोपी ठग विष्णु बाबू दिवाकर को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया, जिसके बाद पार्टी द्वारा एक फरार आरोपी को पद देने को लेकर पार्टी में विरोध के स्वर तेज हो गए और इस विरोध के साथ ही कलह भी शुरू हुई, जिसके बाद पार्टी द्वारा शुक्रवार को एक नई सूची जारी की गई जिसमें विष्णु का नाम निकाल किया गया। भाजपा की तरफ से पहली सूची 6 सितंबर को जारी की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 27 लोगों के नाम थे, जिनमें एक नाम विष्णु बाबू दिवाकर का था, जिसे कानपुर देहात से सदस्य बनाया गया था। जिसके बाद पिछले महीने मेरठ की भाजपा नेत्री पूजा बंसल ने विष्णु पर 50 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया और जांच शुरू होते ही आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पूजा बंसल समेत अन्य पार्टी के नेताओं ने आलाकमान से शिकायत कर मांग की कि विष्णु से तत्काल पद छीन लिया जाए। इस शिकायत को संज्ञान में लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को एक नई सूची जारी की जिसमें से विष्णु का नाम काट दिया गया था। विष्णु द्वारा लोगों की ठगी का यह मामला कोई पहला मामला नहीं है जिसके उस पर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी वह राम मंदिर निर्माण के चंदे के नाम पर लोगों से लाखों रुपए वसूल कर चुका है। साथ ही गोरखपुर की एक शिक्षिका ने भी विष्णु पर जमीन दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था। साथ ही इसने कल्याणपुर निवासी कमला देवी को भी विधानसभा का टिकट दिलाने के नाम पर उनसे 45 लाख रुपए ठगे और भी शहरों में पार्टी में पद दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए वसूल चुका है विष्णु। विष्णु कई लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर भी उनसे ठगी कर चुका है। साथ ही ये खुद को संघ का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताकर भी लोगों को ठग चुका है। एडीसी जोन के पास विष्णु को लेकर ऐसी 6 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिसके बाद सीओ सदर इन शिकायतों की जांच कर रहे हैं। इन सब बातों और आरोपों से यही लग रहा है कि इस बार भाजपा विधानसभा चुनाव में ठगबाजों और चंदा चोरों के माध्यम से अपनी नौका पार लगाना चाहती है।